हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी आप लोगों को मैग्नेटिक्स का पूरा नोट्स मिल जाएगा। मैग्नेटिक्स में जितना भी है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, बायो सावर्ट्स लॉ, जो भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट इन स्ट्रेट लाइन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीन चार है, जियो मैग्नेटिज्म भी इसी में आता है, तो तीन चार चीज़ें हैं, वो सारा मिल जाएगा। तो आपको इसका यूज़ कैसे करना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं बताया था। आपको क्या करना है, पहले तो एनसीईआरटी उठाना है, एनसीईआरटी एक बार रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये नोट्स उठाना है, नोट्स को अच्छे से पढ़ने हैं, दो से तीन बार पढ़ना है, पूरा 8 पेज में पूरा का पूरा मैग्नेटिक्स है। 12th क्लास में जितने भी मैग्नेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर से सारा कवर है। उसके बाद क्या करना है, नीट का पेपर उठाना है और आपका नोट्स आपके साथ में होना चाहिए, और नोट्स देखते जाओ, नीट का पेपर बनाते जाओ, जहाँ फंसो एक बार नोट्स पढ़ लो, बन जाएगा। फिर जेई मेंस का पेपर उठाना है, जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो, और जहाँ फंसो किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फंस रहे हैं, नोट्स उठाना, नोट्स एक बार पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन 200% सॉल्व हो जाएगा। फिर जेई एडवांस का पेपर उठाना है, जेई एडवांस का पेपर उठा करके सॉल्व करना है, और वहाँ पे भी अगर फंसते हो तो वहाँ पे भी आपको नोट्स से हेल्प लेना है। नोट्स में अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा कॉन्सेप्ट ना मिले जो आपका जेई एडवांस, जेई मेंस का क्वेश्चन या नीट का क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, तो मुझे मैसेज करना, 228% सॉल्व हो जाएगा आपका। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि MIT के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, वहाँ से भी उठा करके लिया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये वाला आपका B=mg, एक मिनट ब्लर हो जा रहा, B=mg/IL tan θ, ये क्वेश्चन 2018 नीट में पूछा गया था। सोलेनोइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना दिया गया, मास दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, डिस्टेंस बोल दिया कितना ट्रेवल करेगा, इतना एंगल का स्लेव था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी करंट पूछा था, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता, मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा जा सकता। तो इस तरह से करके आपका क्वेश्चन डेवलप होते हैं, तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा इसमें, तो आराम से पढ़ना और सॉल्व करना। और टाइम मुझे मिले तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कवर कर दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नोट्स दिया था वो भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और न्यूमेरिकल देखना है तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सारा न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैग्नेटिक्स का, पूरा फिजिक्स का मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स भी समझा दूंगा, और ये जो नोट्स है इसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। और अभी क्या, अभी फेस्टिव सीजन है, तो इसमें आप लोगों का जो टेस्ट हो रहा था वो टेस्ट अभी कुछ दिनों के लिए नहीं होगा। जैसे पूरा दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा, ये तीन हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिव माने जाते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये, मैंने बहुत दिनों से सेलिब्रेट नहीं किया, और पिछले साल तो मैं चाइना में था तो इसलिए नहीं कर पाया। तो अब भी थोड़ा छुट्टी रहेगा, मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो जो टेस्ट देते थे उनके लिए बता दे रहा हूँ, टेस्ट होगा आपका जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बीच बीच में टेस्ट होंगे, बीच में जैसे दुर्गा पूजा के बाद बीच में आपका साइटोलॉजी होगा, और पूरा का पूरा थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडाइनेमिक्स, कैलोरीमीटर, सरफेस टेंशन, ये सारा कुछ चैप्टर एक बार में होगा। फिर ग्रेविटेशन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, पहले क्लास 11 हो जाएगा फिजिक्स में, फिर क्लास 12 होंगे, और बायो में क्लास 11 क्लास 12 मिक्स होकर के चलेगा, केमिस्ट्री में क्लास 11 क्लास 12 मिक्स होकर के चलेगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो बीच बीच में टेस्ट डलते जाएंगे, वो कम्युनिटी पे आपको पोस्ट हो जाएगा, डेट टाइम शेड्यूल सारा कुछ। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, इस बार गलती मत करना, प्रैक्टिस अच्छे से करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सही रखना। अगर कुछ भी इसमें ना समझ में आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, लिंक पे क्लिक करना, टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।